बिजनौर जिला पंचायत अध्यक्ष उदयन वीरा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कलेक्ट्रेट में वोटिंग शुरू होनी थी, जिसे लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष उदयन वीरा के खिलाफ कलेक्ट्रेट में विरोधी पक्ष ने अध्यक्ष उदयन वीरा की घेराबंदी कर उनके साथ नोकझोंक व प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। बिजनौर में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग होनी थी, लेकिन ADJ की छुट्टी के चलते वोटिंग स्थगित कर दी गयी। बताते चले कि बिजनौर में वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष उदयन वीरा है, जिनके कार्य से असंतुष्ट जिला पंचायत सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव पारित किया है। इसी के चलते वोटिंग होनी थी, लेकिन ADJ की छुट्टी के चलते वोटिंग स्थगित कर 22 अगस्त को की जाएगी। जिला पंचायत सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव पारित कर नए अध्यक्ष के रूप में साकेन्द्र चौधरी को चुना है। जो हमारे पीठासीन अधिकारी माननीय संदीप जैन साहब, ये ADJ नियुक्त किए गए थे, जो हमें 31 तारीख मिली थी, वो किसी कारणवश छुट्टी पे चले गए और इसकी डेट 22 अगस्त लगा गए। तो क्या मानते हैं, कोई इसमें कोई राजनीतिक? नहीं, देखिए, न्यायपालिका पे तो सवाल उठाना कहीं से कहीं तक कोई वो नहीं, ऐसी कोई हमें नहीं लगता, और बाकी तो कुछ क्या कहा जाए। हाँ, जो अविश्वास प्रस्ताव पर आज मतदान हुआ था, तो इसे लेके आज आम चर्चा ये भी रही कि जो पंचायत सदस्य हैं वो खरीदे जा रहे हैं, खरीद फरोख्त हो रही है, इस पर क्या कहना है आपका? कोई खरीद फरोख्त नहीं, हम तो सारे जितने भी सदस्य हैं सब अपने अपने घर से आ रहे हैं, वो प्रयास कर रहे हों पर कोई उनके उसमें नहीं आ रहा। उन्होंने कुछ के अपहरण भी कराए, उन पर अपहरण के मुकदमे भी दर्ज हैं, जिसमें इसमें हम जरूर प्रशासन से कहेंगे कि प्रशासन उसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। आप लोगों को सब अच्छी तरह से पता है कि उनके घर से मुलजिम बरामद हुआ, वो किसके घर से? जिला पंचायत अध्यक्ष उदयन वीरा जी के यहाँ धारा सिंह जी का अपहरण हुआ था, और उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। अच्छा, ये नौबत क्यों आई कि जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है? भाई, भ्रष्टाचारी हैं सबसे बड़ी बात, मान सम्मान किसी को नहीं देते। पहले भी बात हो चुकी है, इनकी पत्नी जो थी, जो हमारे माननीय आचार्य खां जी के सबसे नज़दीकी परिवार है, ये सपा सरकार में बहुत मजबूत लोग रहे हैं, इन्होंने अपने ये विधायक आते यहाँ से, तो जो भी पूरे ज़िले के लिए हमारा विकास कार्य के लिए जिला पंचायत का पैसा आता था, और जो जिसके प्रस्तावक सिर्फ जिला पंचायत सदस्य ही हो सकते हैं, उस पर इन्होंने अपनी ही विधानसभा में उसका 60-70% पैसा अपनी में ही लगाया, जिससे पूरा जिला बाकी बचा हुआ हिस्सा विकास से अछूता रहा, और उसमें अपना झूठा प्रचार करने के लिए नाम भी जिला पंचायत का ना करके प्रस्तावक भी विधायक हुए, विधायक रुचि वीरा लिखाया, जिससे कि उनको राजनीतिक लाभ मिले। सदन में आप मान सम्मान की बात कर रहे हैं, जो सदस्य आपके साथ है उनमें से कई सदस्य कल तक उन्हीं के साथ थे, मान सम्मान नहीं दिखा दे रहा था। देखिए, तो आदमी को जब उस बाद में तो अजमा के पहले क्या जानते थे भाई, वो भी चुनका है, वो भी सदस्य थे, पहले क्या पता, पहले उन्हें ठीक है, वो जीत गए, उसके बाद जब उनका व्यवहार देखा तो रोष उत्पन्न हुआ, एक इतने साल झेला,